नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नीरज चोपड़ा के गोल्ड की कहानी। दोस्तों, ये बाहर से कितना लगता है, एक नाटकीय क्रांतिकारी खोज, बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नीरज चोपड़ा दिस इज टोटली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। ए ऑर्गेनिक डेवलपमेंट प्रोसेस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड की तरफ जा रहे थे। सोचिए कि आपके सामने एक रखा है, अंडा रखा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन एक दिन अचानक उसमें से एक चूजा क्रैक करते हुए निकलता है और आपके सामने खड़ा हो जाता है। सारे मीडिया न्यूज चैनल वाले उसके पीछे उसको कवर करने के लिए सामने आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग टू चिकन, ए रिमार्केबल रेवोल्यूशन, मतलब अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन। जैसे कि चिकन जो है, चूजा जो है, रातों रात पैदा हो गया। बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चिकन, इट वॉज इवॉल्विंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग, मतलब कि वो अपने आप को ढाल रहा था, धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तैयार कर रहा था। उसके बाद में वो डेवलप हुआ। दोस्तों, ये ब्रेक थ्रू रिजल्ट है, एक दिन का परिणाम नहीं है, सालों की मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, ये तो लग रहा होगा आपको मिराकल मोमेंट, चमत्कार, जैसे कि एक दिन में ही सारा कुछ हो गया। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के सफलता को तो देख रहे हैं आप, लेकिन उनके संघर्ष को नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 10 मिनट के अपना जो परफॉर्मेंस था उसके लिए उन्होंने 10 साल लगाया और 10 घंटे डेली मेहनत करते थे, उसके बाद उन्होंने अचीव किया। दोस्तों, उनके आप सफलता को देख रहे हैं, संघर्ष को नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि ओलंपिक में जाने से एक साल पहले उनका एल्बो फ्रैक्चर हो गया, टूट गया था, और वो पार्टिसिपेट करने जा रहे थे ओलंपिक में। दोस्तों, घर स्कूल के कंपटीशन में प्रैक्टिस नहीं करने जा रहे थे, स्टेट लेवल पर नहीं जा रहे थे, ओलंपिक में, जहां की सेकंड मैटर करता है, स्टेप मैटर करता है, मूवमेंट मैटर करता है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप हासिल नहीं कर पाएंगे गोल्ड। लेकिन उस पर उन्होंने काबू पाया, उससे उन्होंने हार नहीं माना और उसके बाद उन्होंने हासिल किया। दोस्तों, मैं बोलने जा रहा, कोई भी सफल व्यक्ति या खिलाड़ी या बिजनेसमैन इस दुनिया में रॉकेट की तरह कोई नहीं बना है। दोस्तों, आप वो ऊपर गए, नीचे आए, ठोकर खाए, मजबूती से अपने आप को ढाला, तैयार किया, संघर्ष किया, फिर ऊपर उठे। दोस्तों, जितना आप गिरेंगे उतना आप मजबूत होंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, बट सक्सेस इज ओवरकमिंग डॉट दैट प्रॉब्लम। दोस्तों, सक्सेस जो है बिना प्रॉब्लम के नहीं आता है, लेकिन कितना आप उसको ओवरकम करेंगे, कितना आप उसको अच्छे तरीके से झेलेंगे, उसको सक्सेस बोलते हैं, सफलता बोलते हैं। दोस्तों, मैं मतलब बोलने जा रहा हूं, कुछ लोग बोले कि नीरज चोपड़ा ने किस्मत की बदौलत कर लिया,
दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नीरज चोपड़ा ने किस्मत की वजह से नहीं किया, अपने हार्ड वर्क के थ्रू किया। उनको पता भी नहीं हुआ नीरज चोपड़ा को कि हम गोल्ड की ओर मूव कर रहे हैं। और कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। अगर हम भी 4 घंटा डेली अगर 4 साल तक अगर प्रैक्टिस करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हम भी ओलंपिक की ओर जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, हमारे में से ही थे। नीरज चोपड़ा पता है क्या कर रहे थे? उनका कंपटीशन तो जो था दूसरों से नहीं था, अपने आप से था। अपने आप को कैसे बेहतर करना है, धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने हासिल किया। वो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों फिर हम आपसे मिलते हैं नए YouTube चैनल में, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, नमस्कार।